हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे डोमिनार 400 का कौन से डिसोल्यूशन का वीडियो। ये बेसिकली बहुत बार क्या होता है कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो स्टेयरिंग अटक के चलता है, फिर बहुत टाइट चलेगा। आप जब कौन सेटिंग करने जाते हो तो कहते होते हैं, अगर सेटिंग किया तो फिर वापस में प्ले आ जाता है हैंडल में, और जब भी आप बम्प के ऊपर जाओगे या फिर पॉट होल में जाओगे तो आपका कौन में खट खट से आवाज़ आने लगेगा। तो ये बेसिक रीजंस होते हैं कि आपका कौन से डैमेज हुआ है, फिर उसके बेयरिंग्स डैमेज हुए हैं, फिर कौन है उसके जो अंदर के पार्ट है सब डैमेज हुआ है, तो उसके कुछ बेसिक रीजंस होते हैं। तो पहले तो आपको बाइक दिखाता हूँ, बाइक में क्या इशू है आपको सामने दिखाता हूँ, मतलब आपको भी आइडिया आ जाए कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन पर आपको समझना चाहिए कि अपना कौन सेट डैमेज हुआ है गाड़ी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2019 का डोमिनार आया है, 2019 UG मॉडल है ये। इसको हमने पहले तो स्टैंड पे चढ़ा दिया। डोमिनार में मेन स्टैंड आता नहीं है, तो आपको ये स्टैंड लगेगा। ये स्टैंड के सिवा आप कौन सेट या फिर मतलब फोर्क या फिर जो भी काम है डोमिनार के आप कर नहीं पाओगे, तो ये स्टैंड बहुत ज़रूरी होता है डोमिनार। मतलब या जो कोई भी गाड़ी जिसमें मेन स्टैंड नहीं आता, तो इसको तो स्टैंड में उठा दिया हमने। अभी आप देखोगे मैं अगर स्टेयरिंग सामने लाता हूँ तो यहाँ पर अटक रहा है, ये अटक के ये फिर ठीक है। तो ये बेसिक इश्यू है इसके कोन में। तो पहले डिसमेंटलिंग करते हैं। अभी कोन सेट लगाना तो पूरा का पूरा आगे से खोलना पड़ेगा। वाइजर, हेडलैम्प वगैरह सब बाहर आएगा, टायर्स बाहर आएंगे, अपना फोर्क पाइप्स वगैरह सब निकाल के यहाँ पे इसके अंदर दो बेयरिंग्स है और दो उसके कोन है, ये सब आपको दिखा। तो चलिए इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। पहले तो अपना डिसमेंटलिंग करेंगे, तो पहले सब पूरे पार्ट्स निकाले। इसका हेडलैम्प वगैरह सब निकल चुका है, फोर पाइप निकल गया, टायर मडगार्ड सब आगे से पूरा। मीनवाइल यहाँ पे भी एक डोमिनार सर्विस हो रहा है, 2017 का है, इसको भी फुल सर्विस है। चेन स्प्रॉकेट है, इसमें रोल ऑन का स्प्रॉकेट इंस्टॉल हुआ है नया। इसका भी चेन स्प्रॉकेट का वीडियो है अपने चैनल पर, देख लीजिए, उसमें भी अच्छे से डिटेल्स बताए हमने चेन स्प्रॉकेट के लिए। आते अपनी ये बाइक पर, डिसमेंटल हो चुका है ये। जब भी पूरा डिसमेंटल करो ध्यान रखना इसके बहुत सारे नट्स, स्क्रूज, ये सब बहुत स्पेशल नट्स है, ये इसको डिस्टेंस पीस वगैरह ये सब संभाल के रखना, ये मिलते नहीं है और फिर वापस लगाते वक्त बहुत दिक्कत होती है। तो हेडलैम्प निकल चुका है, इसका फ्रंट सब निकल चुका है, अभी इसका टी नीचे रहता है। इसका हैंडल निकल गया, अभी इसके अंदर अपने कोन है और इसके अंदर नीचे एक कोन है। इसके वायर्स वगैरह संभल के स्ट्रेच नहीं होने चाहिए प्रॉपर, कि इसमें सेंसर्स के वायर्स वगैरह सब इसी में है, तो ये सब ध्यान रख के एक साइड में प्रॉपर करके कोई रहता है दूसरा आदमी लगा के उसको पकड़ने के लिए रख ले, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर है। ये ऊपर का लॉक नट खुल रहा है, ये जैसे ही लू खुल जाएगा नीचे वाला टी बाहर आते जाएगा। ये ऊपर का कोन है जिसका कंडीशन है, ये इसका बैरिंग निकल गया और ये इसके कोन का कंडीशन है। देखो ये पूरा खराब हो चुका है, बैरिंग कंडीशन। तो अब ये पूरा ये बैरिंग ऊपर का ये कोन, नीचे का बैरिंग और ये नीचे का कोन और इसके अंदर का एक कोन इसके अंदर बैठता है, क्योंकि ये सब पूरा चेंज हो जाएगा। पूरा निकाल के अभी क्लीनिंग करते हैं। ये डोमिनार का कोन सेट है, इसका पार्ट नंबर है, 406 रुपये में आता है, जिसका भी प्राइसिंग अभी बढ़ गया, पहले 367 था, तो बजाज के स्पेयर्स के कॉस्टिंग्स बढ़ने लगी है धीरे धीरे, अभी 406 हो गया। तो चलिए पहले वाला पुराना वाला कोन निकाल लेते हैं सब, इसको हैमर करके निकालना पड़ेगा इसको और नीचे वाले को। फिटिंग के लिए कैसे फिट होता है दिखाता हूँ मैं आपको। अपना कौन सेट निकल चुका है, उसको क्लीन कर लिया है। अभी देखो ये नीचे का पार्ट है पूरा और ये ऊपर वाला पार्ट है। अब देखोगे इसमें तो ये देखिए डॉट्स बने हुए हैं बेयरिंग्स के, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब बेयरिंग आएगा तब हैंडल अटकेगा, ये उसके डॉट्स हैं, सेम यू इसको भी सब जगह डॉट्स बने हुए हैं।
ये ऊपर वाला डॉट्स बने हुए, जब ये डॉट में आएगा बेरिंग तब बेरिंग फंसेगा, बेरिंग फंसेगा मतलब वहाँ पे हैंडल टाइट जाएगा। तो ये होता है बेसिक कि आपका कौन सेट डैमेज हुआ। तो अभी चलिए इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। नया कौन सेट एकदम क्लियर, ऑब्वियसली नया पैकेट में से निकाल तो क्लियर होने है। इसके बेरिंग्स हैं, बजाज इसके साथ ग्रीस भी प्रोवाइड करता है, तो यही ग्रीस यूज़ होना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो यही ग्रीस बजाज में भी सेपरेट मिलता है, ये पाउच 8 या 10 रुपए को पाउच आता है, तो मोस्टली यही ग्रीस हमेशा यूज़ करना चाहिए, बहुत एडवांस ग्रीस है। ये इसका रबर है और इसका वॉशर है जो नीचे बैठेगा, ये पुराना वाला निकाला है। तो ये वॉशर भी हमेशा हर कॉन्सेप्ट के साथ चेंज होना चाहिए। इसका रबर ये बेसिकली ऑयल सील का काम कर, वाटर सील का काम करेगा, जैसे पानी वगैरह अंदर नहीं जाएगा, एक प्रोटेक्शन है, बेसिक प्रोटेक्शन बोलेंगे इसको। सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। ये अपना टी है, पहले तो इसमें वॉशर जाएगा, वॉशर यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका रबर भी लगाना है इसके बीच में, दिखाता हूँ बाद में कैसे लगेगा। पहले रबर लगाओगे तो कभी कभी फंस जाता है, तो रबर हमेशा बाद में लगाए तो भी चलता है, और बाद में लगाना आसान भी है और परफेक्ट फिट होगा। तो ये नीचे वाला कोन है, इसको अंदर तक दबाना है यहाँ पे। तो इसको प्रेस करने के लिए सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन है डोमिनर का ओल्ड फोर पाइप, डोमिनर का ये पुराना फोर पाइप हम ऊपर से लगाएंगे, ये प्रॉपर फिट होगा इसके, और इसको दबा के हम लोग नीचे तक प्रेस कर लेंगे। एंड तक बैठ गया अभी प्रॉपर, इसको नीचे तक आ गया। अभी इसके बीच में रबर वॉशर लगाएंगे, ये पहले भी लगा सकते हो बाद में भी लगा सकते हो, पर बाद में लगाना फिटिंग के लिए अच्छा, ये प्रॉपर फिट हो जाएगा, बस ध्यान रहे कट ना हो जाए। ये उसका लग गया रबर वॉशर। अब आते हैं मेन कोन फिटिंग पे। यहाँ पे ये कोन फिट करने के लिए एक स्पेशल टूल लगता है, दिखा तो आपको टूल कैसे लगाना है। इसका टूल आता है कोन सेट फिटिंग के लिए, यह स्पेशल टूल है बजाज का, इसमें काट थ्रेड से प्रेस होता है, ये काटना पार्ट, इसमें ये पार्ट वो है जो ये ऊपर की साइड में फिट होता है, यहाँ पे ये परफेक्ट बैठ गया। हाँ, इसके पहले हमने ऊपर का कोन फिट कर लिया है, ये ऊपर का कोन है, इसको हैमरिंग करके फिट किया, प्रॉपर देख लेना बैठा है कि नहीं सही से, ये पूरा स्ट्रेट बैठा है। इसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा और नीचे से ये पार्ट नीचे से लगेगा, ये भी नीचे का कोन हमने फेस पे लगा के रखा है, ज़्यादा उसको अभी अंदर हैमर नहीं किया, तो इसके ऊपर ये लग जाएगा और यहाँ से ये टूल आएगा। हरीश टूल सारा था कल ना पकड़ लेना, तो जैसे हम लोग इसको टाइट करते जाएंगे ये और ऊपर इसको प्रेस करते रहेगा और अपना कोन अंदर प्रॉपर फिट हो जाएगा। टूल से ही इसको फिट करना चाहिए, इसको जो लोकल काम होता है ठोक के या फिर उसमें बॉक्स लगा के उसको ठोक के, ये सब काम नहीं होने चाहिए, प्रॉपर टूल रहेगा तो ही प्रॉपर फिट होगा, नहीं तो कोन प्रॉपर फिट होता नहीं है। ऊपर से पकड़ के रखा है और नीचे का हम लोग टाइट करेंगे जी, जैसे टाइट होते जाएगा ये वाला पार्ट अंदर जाएगा और इसको पूरा अंदर तक प्रेस कर लेगा। यही टूल है, इसी से टाइट करना है, इसी से कोन लगाना है हमेशा, जैसे टाइट होता जाएगा उसको प्रेस कर रहा है अंदर। तो भी ध्यान रखना है ओवर टाइट भी नहीं करना है, तो वापस कोन टूट जाएगा। ये जगह पे फिक्स है। इसी का होता है जो भी एंगल अपने को चाहिए, मतलब पूरा टी स्ट्रेट बैठना चाहिए, ये प्रॉपर उसी से स्ट्रेट बैठेगा। नॉर्मल अगर हैमरिंग करके बिठाया नीचे का कोन तो टेढ़ा बैठता है, वो कभी भी सीधा नहीं बैठेगा, और टी टेढ़ा ही बैठेगा, तब फिर उसको जाके लेफ्ट साइड पुलिंग या फिर राइट साइड पुलिंग या फिर
ये सब इश्यूज शुरू हो जाएंगे गाड़ी में। ये हो गया कोन प्रॉपर फिट, देखो ये तो पूरा परफेक्टली मैच हुआ है हर जगह पे। से ऊपर का मैं अभी इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया, यहाँ पे ये ग्रीस लगा दिया, ऊपर का बेयरिंग लग गया इधर। हम अभी यहाँ पे नीचे आएंगे, इस पे ग्रीस लग रहा है और इस पे नीचे का बेयरिंग आ जाएगा, ये वाला नीचे का बेयरिंग का सर्कल बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, ये दो इसका, या फिर नीचे का ब्लू होता है ऊपर का वाइट होता है, इसे समझ सकते हो नीचे कौन सा ऊपर कौन सा। ग्रीस ये बजाज का ग्रीस है, देखो बहुत हाई क्वालिटी का ग्रीस है, ये बहुत अच्छा ग्रीस है, यही यूज़ करना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे कैसा है कि पेट्रोलियम बेस्ड ग्रीस यूज़ नहीं होना चाहिए, उससे ख़राब भी होता है, उस पर रबर भी ख़राब होती है, सब चीज़ें ख़राब होती है, इसके लिए ये ग्रीस यूज होता है। फाइनली बेयरिंग्स कोन सब इंस्टॉल हो चुका है, अपना टी पे भी बेयरिंग लग गया, ग्रीस लगा दिया, इसको भी नीचे अंदर से ग्रीस लगा लिया है। अब टी इंस्टॉलेशन करते हैं और फाइनल फिटिंग की तरफ चलते हैं। अपना टी, इसके ऊपर का कैप इसमें बैठेगा, तो ऊपर का कोन बेसिकली ये लग गया बेयरिंग पे, इस पर आएगा अपना डस्ट कैप, उसके अंदर धूल धूल पानी ना जाए उसके लिए, और ऊपर से फाइनली लॉक नट। अब इसको लॉक कर लेंगे, फाइनल सेटिंग कर लेंगे और पूरा असेंबली स्टार्ट कर देंगे। तो उसका पूरा फाइनल फिटिंग हो चुका है, सब टायर मडगार्ड हेडलैम्प वगैरह सब वाइजर पूरा लग चुका है, और अभी देखिए हैंडल का मूवमेंट एकदम पूरा फ्री हो गया, कहीं पे अटक नहीं रहा है कुछ नहीं। 2019 है तो इसका हैंडल आप अकेला छोड़ोगे, एम्प्टी छोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में आता है, क्योंकि उसको वेट ज़्यादा रहता है डिस्क और कैलिपर का। सो ये प्रॉपर फिटिंग हो गया। सो गाइस ये था हमारा वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आए, आपको सब जो भी डिटेल्स है क्वेरीज उस पर सब सॉल्व हो जाए, कुछ भी डाउट्स हो क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और वीडियोज, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोज़ हमारे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।